उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के भूता थाना क्षेत्र के गांव खरदा के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र गंगवार उर्फ पुष्पाल की दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में पत्नी संगीता की तरफ से पुलिस ने जेल में बंद हिस्ट्री सीटर पूरनलाल समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अपराधियों के संपर्क में रहने वाले 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में पत्नी संगीता ने 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनमें जेल में बंद हिस्ट्री सीटर पूरनलाल का नाम भी शामिल है। संगीता ने बताया कि मंगलवार को उनके पति पुष्पेंद्र बाइक से अपने गांव खरदा गए थे और शाम करीब 4 बजे बरेली लौट रहे थे। रास्ते में दौलतपुर पेट्रोल पंप पर पहले से घात लगाए बैठे सिपिन विपिन और गौरव निवासी ग्राम बरदा ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। गोलियां चलनी शुरू ही तो लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। तीनों आरोपियों ने फायरिंग करते हुए धमकी दी कि वो उनका वंश मिटा देंगे। संगीता के मुताबिक हिस्ट्री सीटर पूरनलाल के भाई पवन ने उनके देवर विनोद की भी 2021 में हत्या कर दी थी। उस मुकदमे में फैसला आने वाला है। आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहे थे। हिस्ट्री सीटर पूरनलाल अर्जुन सिंह, गौरव मोहम्मदपुर भजा पीलीभीत निवासी देवेंद्र और चंदपुर निवासी संतोष ने कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। 2 अक्टूबर को पूरनलाल और ब्रजेश उर्फ बिरजू ने उनके पति को धमकी दी थी कि तू ऐसे नहीं मानेगा तो तेरा भी हाल विनोद की तरह करना पड़ेगा, तुझे 5 से 6 दिन में ही ठिकाने लगा दूंगा। पुष्पेंद्र ने इसकी शिकायत भी भूता पुलिस से की थी। इसके बावजूद आरोपियों ने मौका मिलते ही उनके पति की हत्या कर दी। संगीता का ये भी कहना है कि जेल में बंद पवन और पूरनलाल ही हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उनकी तलाश की जा रही है। हत्या के बाद गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सीओ फरीदपुर आशुतोष शिवम लगातार गांव में कैंप कर रहे हैं। एसओजी भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के अब तक एक भी आरोपी हाथ नहीं लगा है। भारी पुलिस फोर्स के बीच पुष्पेंद्र के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्पेंद्र को 4 गोली लगने की पुष्टि हुई है। हत्यारोपी ने पुष्पेंद्र को 2 गोली सीने और 2 गोली पीठ पर मारी थी। इससे हमलावरों की यहां मंशा साफ हो रही है कि किसी भी कीमत पर पुष्पेंद्र को जीवित ना छोड़ा जाए। एसएसपी अनुराग आर्या का कहना है कि पुष्पेंद्र की पत्नी की तरफ से हिस्ट्री सीटर पूरनलाल समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके साथ 12 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।